हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए चीज़ी पास्ता रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे पास्ता ले लिया है, शिमला मिर्ची ले लिया है, गाजर ले लिया है, दो टमाटर, दो प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और चीज़। यहाँ पे चीज़ है, चीज़ी पास्ता के लिए तो चीज़ चाहिए। तो चलिए अभी हम पहले पास्ता को बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन पे पानी ले लिया है, इसमें अभी पास्ता डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पास्ता ले लिया है, इसमें अभी हम क्या करेंगे, टमाटर को दो टुकड़े में कट करके इसको डाल देंगे। टमाटर को भी हम बॉईल कर लेंगे ताकि सब्जी में, सॉरी, पास्ता में थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए, नहीं तो ऐसे कच्चापन का थोड़ा सा स्मेल आता है टमाटो का। तो चलिए इसको भी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा हम तेल भी ले लेंगे ताकि पास्ता एक साथ चिपक ना जाए। तो यहाँ पे मैंने गैस में पैन को रख दिया है इसमें बॉयल आने के लिए। तो तब तक हम सब्जी कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्ची को काट लिया है और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची को चॉप कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे कॉर्न भी ले लिया थोड़ा सा। और यहाँ पे हमारा टमाटर और पास्ता भी रेडी हो गया है। तो चलिए इसका पानी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। तो इसको अभी हम गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें अभी हम प्याज और हरी मिर्ची जो हमने चॉप करके रखा था उसको डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्ची को फ्राई करने के लिए रख दिया है, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे चलाते हुए। और इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच अदरक का पेस्ट ले रही हूँ और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे गाजर, शिमला मिर्ची और कॉर्न को डाल देंगे। गाजर, शिमला मिर्ची और कॉर्न को ले लिया है, इसको भी हम फ्राई कर देंगे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पे हमने जो टमाटर को बॉयल करके ले लिया है इसको मैंने चॉपर में ले लिया, इसको चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड करके बिल्कुल प्योरी बना सकते हैं। तो देखिए टमाटर प्यूरी भी हमारी रेडी हो गई है। हम इसमें टमाटो प्यूरी को डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे जीरा पाउडर, डालेंगे काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा 2 पिंच करीब काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए। अभी सारे चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। और अभी मीडियम फ्लेम पे गैस को करके हम इसमें लेड लगा देंगे 2 मिनट के लिए ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। तो हमने इसको 2 मिनट के लिए लीड लगा के पका लिया है। मसाला भी हमारा रेडी हो गया है और गाजर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए शिमला मिर्ची भी सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें सॉस ऐड कर देंगे, टमाटो सॉस।
और थोड़ा सा सेजवान चटनी, अगर आपके पास सेजवान चटनी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। और डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पूरा मिक्स कर देंगे हम, उसके बाद इसके ऊपर से हम चीज़ डाल देंगे और उसके बाद हम लीड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता, हम इसको पका लेंगे। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो ग्रेवी वाला पास्ता भी बना सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, तो मैं ग्रेवी वाला नहीं बनाऊँगी, मैं सूखे वाला ही बनाऊँगी। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स करके पूरा ऊपर से कर देंगे और फ्लेम को अभी हम लो पे कर देंगे। तो अभी हम इसको ऊपर से चीज़ डाल देंगे। आपके पास चीज़ नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल जो पास्ता बनाया वो भी आप खा सकते हैं सब्जी के साथ। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और हम डाल देंगे और इसको अभी हम लीड लगा देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक हमारा ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। ऊपर से देख के लग रहा है कि चीज़ हमारा मेल्ट हो गया, चलिए देखते हैं। हाँ, चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। हमारा पास्ता रेडी हो गया है, चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा चीज़ी पास्ता रेडी हो गया है, देखिए। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।